हेलो एवरीवन दिस इज सुनील जांगड़ा योर फिजिक्स एडवोकेटर वेलकम बैक टू द चैनल तो कैसे आप सब आई होप सभी अच्छे होंगे अच्छे से पढ़ रहे होंगे तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक छोटा सा गिफ्ट फार्मूला चीट शीट लेके आया हूँ क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स के लिए एंड इस चीट शीट के अंदर आप लोगों को फॉर्मूलाज के साथ साथ डायग्राम भी मिल रहे होंगे ठीक है और जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगी उनको भी लिखा हुआ है तो इसलिए इसको फार्मूला शीट की जगह फार्मूला चीट शीट बोला गया है ओके और बेटा जी इसको बहुत बढ़िया तरीके से बनाया गया है सारे के सारे चैप्टर अकॉर्डिंग टू तो एनसीईआरटी कवर हो रहे हैं तो ये आप लोगों को कैसे पढ़नी है और कैसे मिलेगी वो इस वीडियो में हम बात करेंगे और जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला है कि आप लोगों के सत्तर में से सत्तर आएंगे फिजिक्स के अंदर बट आप लोगों को मेरे साथ प्रिपरेशन करनी होगी जैसे मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ आप लोग भी मेहनत करिए बट एक स्मार्ट वे में हम मेहनत करने वाले हैं ठीक है आगे बढ़ने से पहले मैं एक और चीज़ सब बच्चों को बता दूं या जो बच्चे नए हैं उनको बता दूं कि हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट से लेके चैप्टर नंबर फोर्टीन तक सारे के सारे जो थ्योरी पोर्शन है बेटा मतलब एक से लेके चौदह चैप्टर जो हैं सारे अपलोड कर दिए वन शॉट के अंदर अपलोड कर दिए और सारे के सारे वन शॉट का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं भी मिलता तो आप सिंपली क्या करना है जो भी चैप्टर चाहिए उस चैप्टर का नाम लिखिए और पीछे मेरा नाम लिखे सुनील जंगड़ा ठीक है जैसे आपको ई चाहिए तो ई एम आई वन शॉट बाई सुनील जंगड़ा सर ठीक है तो आप लोगों को एग्जैक्ट वही वन शॉट मिल जाएगा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ठीक है क्योंकि मैं अपने वन शॉट की गारंटी ले सकता हूँ यार कि हाँ मेरे वन शॉट के अंदर पूरी की पूरी एन जो है वो कवर है दूसरी बात कि सिर्फ वन शॉट नहीं करवाए ठीक है वो वन शॉट के साथ साथ मैंने नोट्स भी दिए हुए हैं तो चैप्टर नंबर फर्स्ट से लेके चैप्टर नंबर टेन मतलब दस चैप्टर के नोट्स जो हैं वो आ चुके हैं आप लोगों के पास अब बारी बचती है मॉडर्न फिजिक्स की तो मॉडर्न फिजिक्स के नोट्स एकदम से आएंगे एकदम से मतलब सारे के सारे चारों चैप्टर जो बचे हुए हैं ना इलेवन्थ ट्वेल्थ थर्टीन फोर्टीन वो सारे के सारे एकदम से आप लोगों को नोट्स मिलने वाले हैं ठीक है बट मैंने सोचा कि उससे पहले आप लोगों को फॉर्मूला चीट शीट भी दे दी जाए ओके और जितनी कोशिश है ना मतलब जितने एफर्ट्स होंगे बेटा मेरी तरफ से कि हाँ यार सत्तर में सत्तर लाने के लिए ये चीज़ करनी चाहिए बच्चों के लिए वो करी जाएगी ठीक है तो इसलिए आप लोग भी पढ़ें मेरे साथ सपोर्ट करें चैनल को ठीक है वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर कर दिया करो अच्छा इस फॉर्मूला चीट शीट के बारे में बात करने से पहले हम एक बात और कर लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहाँ से करें काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस है वो कहाँ से करें तो वो आपको करनी है बेटा इस बुक से मतलब मुझे पर्सनली ये बुक बहुत अच्छी लगती है मैंने बहुत बार बहुत बार मतलब तीन या चार बार तो मैंने तुम्हें बताई दिए रिकमेंड कर दिया कि हाँ बेटा ये बहुत अच्छी बुक है उस गुरुकुल की तरफ से आती है मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बैंक है ये दो मतलब न्यू सिलेबस न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग है इसमें आप लोगों को एन सी क्यू भी मिल रहे हैं सोशल रीजन भी मिल रहे हैं के स्टडी भी मिल रहे हैं तो इस बुक को ध्यान से देख लो जैसे ये फिजिक्स की है वैसे ही आपको केमिस्ट्री बायो मैथ इन सबकी मिल जाएगी अगर आप बाय करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ठीक है एंड जिन बच्चों ने बाय कर ली है कोई भी दूसरी बुक तो मैं उन्हें ये नहीं बोलूँगा कि इस बुक को जरूर खरीदो ठीक है मतलब अगर तुमने बाय खरीद लिया है यार फिर तो तुम्हारे पैसे लग गए ना एक बार फिर तो तुम उसी से पढ़ो अगर जिसने नहीं खरीदिया फिर वो इस बुक से ही पढ़े ठीक है इसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ओके चलो यार तो वीडियो को बढ़ाते हैं आगे और आगे बढ़ने से पहले बोलूँगा कि टेलीग्राम चैनल है इसको जरूर से ज्वाइन कर लेना क्योंकि सारे के सारे जो मेरे पी होते हैं जो मेरी क्लास के लिंक होते हैं ठीक है चाहे वो रिकॉर्डेड हो लाइव हो सब आपको यहाँ पर मिलने वाले अगर किसी को कोई परेशानी है तो वो बच्चा इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकता है और इंस्टाग्राम पर मेरा हैंडल है सुनील जंगड़ा ट्वेंटी सिक्स के नाम से ठीक है चलो यार तो वीडियो अच्छी लगी तो ये काम कर देना शेयर एंड सब्सक्राइब का ओके चलो तो ये रही शीट एक बार देख लो ठीक है देखो यार देखो यहाँ पे पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेज फील्ड फिर दूसरा है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस फिर आप लोगों के पास करंट इलेक्ट्रिसिटी मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म है फिर आप लोगों के पास मैग्नेटिज्म एंड मैटर है फिर ई एम आई आ गया फिर अल्टरनेटिंग आ गया और फिर आप लोगों के पास ई एम वेव आ गया फिर वेव ऑप्टिक्स आ गया ये रे ऑप्टिक्स आ गया और यहाँ पर आप लोगों का ड्यूल नेचर एटम्स आ गए और न्यूक्लियान सेमीकंडक्टर तो चौदह चैप्टर मतलब फोर्टीन चैप्टर यहाँ पे कवर्ड है अच्छा इसको चीट शीट क्यों बोला जा रहा है सीधा फार्मूला क्यों नहीं बोल देगा फार्मूला शीट क्यों नहीं बोल देगा देखो यार फॉर्मूला में क्या है ना हम फार्मूलाज लिखना शुरू कर देते हैं ठीक है तो इसमें क्या आपको डायग्राम भी मिल रहे हैं साथ के साथ डायग्राम ग्राफ्स ये सब चीज़ें मिल रही हैं मतलब अगर कोई फॉर्मूला मैंने लिखा है बट वो बिना डायग्राम जो है अधूरा है तो इसलिए इसको ही मैंशन कर दिया गया है यहाँ पर क्योंकि अगर मैं सिर्फ यहाँ पर फॉर्मूलाज लिख देता ना सिर्फ वेरिएबल के साथ फॉर्मूला लिख देता तो कई बच्चों के ऊपर से चले जाती तो इसलिए हर एक चीज़ का नाम भी लिखा हुआ है और डायग्राम की जहाँ पे ज़रूरत है वो डायग्राम भी बताया गया है ठीक है जैसे कि यहाँ पे पाथ वाले में डायग्राम की जरूरत थी यहाँ पे कन्वर्जन कैसे होती है गैल्वेनोमीटर की वो हमने बताई है जैसे मोशनल नी एम एफ़ है अब मोशन नी एम एफ में रोड चल रही है रोड मूव भी कर सकती है डिस्क भी रोटेट कर सकती है तो उनके अलग अलग डायग्राम यहाँ पर बना दिए गए हैं ठीक है समझ रहे हो चीज़ों को तो इसलिए इसको चीट शीट बोला जा रहा है यहाँ पे जैसे कि अल्टरनेटिंग करंट है तो इसमें आपको एल आर एल सी आर सर्किट बताया फिर ये सारी चीज़ें बता रखी है कि कब वी एल माइनस वी सी होगा ठीक है और कब आप लोगों के पास वी सी माइनस वी एल होगा ठीक है तो ये सारी चीज़ें बेटा यहाँ पे बता दी गई हैं और मैं आप लोगों को बोलूँगा बेटा कि जो ये पी डी एफ है इसको कलर्ड ही प्रिंट करवाना और कलर्ड प्रिंट कराओगे तो तुम्हें पढ़ने में बहुत अच्छी वाइब आएगी हाँ यार कि कुछ बढ़िया चीज़ तुम पढ़ रहे हो और याद करने में ना मज़ा आएगा मतलब बोरिंग सा नहीं लगेगा तुम्हें और ख़ास बात क्या है एक और फीचर एक और ख़ास बात क्या है कि पूरे के पूरे जो चार चैप्टर हैं चारनी वाले चौदह चैप्टर हैं वो चार पेज के अंदर खत्म है अगर हम एक पेज को आगे और पीछे से प्रिंट कराते हैं तो आपको सिर्फ ये दो पेज के अंदर ही मिल रहा है ठीक है मतलब दो पेज में आप लोगों को चौदह चैप्टर के फॉर्मूला मिल रहे हैं और जिनके डायग्राम की जरूरत है तो वो डायग्राम भी साथ में मिल रहे हैं ठीक है तो कुछ भी नहीं करना यार जो चैप्टर तुमने पढ़ लिया ना वन शॉट देख लिया उसको रिवाइज़ करने का तरीका क्या है उसके फॉर्मूलाज यहाँ से रिवाइज करो इस शीट से रिवाइज़ करो ठीक है एन सी आर टी के अकॉर्डिंग बनाई गई है मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ कैसे पढ़ना जैसे मैंने वन शॉट बोलें कि वन शॉट अपलोडेड है चैनल पर मान लो कोई भी चैप्टर तुम देख रहे हो मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म देख रहे हो तो उस मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का ना पहले वन शॉट देख लो ठीक है पहले क्या देख लो वन शॉट देख लो और फिर जब तुम उसको रिवाइज करो ना तो इस चैप्टर की चीट शीट खोलो लो यहाँ पे आ जाओ जैसे कि यहाँ पे मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म शुरू हो जाता है आपने डिटेल नोट्स डाउनलोड कर लेना वो तो है ही है तुम्हारे पास ठीक है फिर जब तुम रिवाइज़ करोगे चैप्टर को तो यहाँ से रिवाइज़ करना कि हाँ यार मैग्नेटिक फोर्स का ये फार्मूला होता है क्रॉस को ओपन करे तो साइंथ्रीटा बन जाएगा फिर पिच का फॉर्मूला ये होता है पिच कौन सी है भाई ये पिच है आर कौन है ये रेडियस है ये जो सर्कल घूम रहा है इसका रेडियस है तो यहाँ से आप ना इजली रिवाइज़ कर सकते हो मतलब ये बहुत बढ़िया चीज़ आप लोगों के लिए बनाई गई है ये बच्चों की डिमांड थी कि सर हमारे लिए चीट शीट बना दो बना दो बना दो हाँ जो बच्चे यार नीट और जेई के लिए उनके लिए मैं थोड़ी सी मॉडिफिकेशन इसमें करूँगा मैं ये नहीं बोलूँगा कि हाँ यार सिर्फ इसी को कर लेना क्योंकि ये बोर्ड्स के लिए है नीट जी के लिए इसमें मॉडिफिकेशन होनी है तो वो जल्दी ही करेंगे और जल्दी से अपलोड कर देंगे ठीक है चलो बस मैं यही बोलूँगा यार जितनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ तुम भी उतनी मेहनत करो जी जान लगा दो पढ़ने में बहुत कम टाइम बचा है पेपर का पैटर्न भी आ चुका है न्यू सिलेबस तुम्हें तो पता ही ऑलरेडी जिस बच्चे को नहीं पता तो मैं सिलेबस की वीडियो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा अच्छा जो पेपर आया सैम्पल पेपर आया उसको यार तुमने सॉल्व किया या नहीं किया अगर किसी ने सॉल्व नहीं किया तो उसका सॉल्यूशन भी डाला हुआ है तो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा ठीक है चलो तो ये चीट शीट तुम्हें कहाँ पर मिलेगी बेटा टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी और टेलीग्राम चैनल पर भी इस वीडियो के अपलोड होने के एक घंटे बाद मिलेगी ठीक है और बस वहाँ से डाउनलोड करना कलर्ड प्रिंट करवा लेना बहुत अच्छी वाइब आएगी कि हाँ यार मतलब सर ने कुछ चीज़ बनाई है हमारे लिए तुम्हें पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा ठीक है और इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि अगर मेरे कंटेंट से आप लोगों की थोड़ी सी भी हेल्प होती है ना थोड़ी सी हाँ मतलब आपकी अगर हेल्प होती है आपको लगता है कि हाँ सर के कंटेंट में जान है सर हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं तो इस वीडियो को हर एक बच्चा हर एक बच्चा अपने कम से कम 20-20 फ्रेंड को शेयर करेगा हर एक बच्चा अपने 20-20 फ्रेंड को शेयर करेगा यार 20 ज़्यादा अगर हैं तो 15 तो कम से कम कर ही सकते हो 15 बच्चों को शेयर कर सकते हो तुम ठीक है चलो तो डाउनलोड करो यार टेलीग्राम से जाके और जो भी चैप्टर पढ़ा है उसके क्वेश्चन लगाने से पहले उसके नोमैरिकल लगाने से पहले इस शीट से फॉर्मूलाज को रिवाइज कर लो ठीक है चलिए तो फिर इसी के साथ इस वीडियो सेशन को करते हैं समाप्त एंड मिलते हैं जल्दी से हमारे नए वीडियो में नए सेशन में कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में बता देना और कैसी वीडियो चाहते हो वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना ठीक है चलिए सो बाय बाय टेक केयर जय हिंद वंदे मातरम